ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अब वाराणसी से निकलकर दिल्ली की ओर दस्तक दे चुका है। दरअसल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में अर्जी दायर की है और ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला मस्जिद कमेटी की ओर से मेंशन किया गया, लेकिन सीजीआई ने कहा कि उन्होंने चूंकि इस मामले से अनभिज्ञ हैं और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे में वो फाइल पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आज इस मामले की सुनवाई नहीं की और उम्मीद ये जताई जा रही है कि सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। दरअसल वाराणसी कोर्ट ने गुरुवार को मस्जिद के सर्वे का आदेश जारी किया है और 17 मई तक सर्वे की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट भी मांगी है। 14 मई से इस सर्वे का काम शुरू होगा। वहीं मंदिर मस्जिद के विवाद में सियासत भी अपने काम पर लग गई है। ये जानबूझ करके इसको फिरका परस्ताकतें आगे बढ़ा रही हैं। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तमाम मुसलमानों ने अपना सर तस्लीम खम करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए खामोशी इख्तियार की, मगर अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। अगर दूसरी मस्जिद पर हमला किया गया और दूसरी मस्जिद की बाबरी मस्जिद की तरह उसको बनाने की कोशिश की गई तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। अब हैदराबाद वाले ओवैसी के ये तर्क और तकरीर सुनिए। आप तो अपनी आइडियोलॉजी को ना संविधान को रोन देंगे अपनी आइडियोलॉजी के नाम पर, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपनी आइडियोलॉजी के नाम पर रोन देंगे कि ये इस तरह चलेगा क्या देश? 91 का एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को मस्जिद मंदिर गिरजाघर जो भी थी होगी उसका ना नेचर चेंज होगा ना उसका कैरेक्टर चेंज होगा। आप होते कौन है भाई, कहां रोकेंगे? कल मैं जाकर कहूंगा कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद तो खोदने देंगे कोर्ट मुझे है? कहां रुकेंगे आप? मैं बोलूंगा नहीं, उस घर के नीचे है मस्जिद मेरी, आप देंगे मुझे खोदने का? देंगे आप? मैं कहने सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करिए, बताऊंगा आपको मस्जिद है नहीं, खाने खान जहां का उसमें मॉन्यूमेंट निकलेगा दे देंगे क्या मेरे को आप? कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी काशी और कभी देश के दूसरे धर्म स्थल, यानी आए दिन किसी न किसी धार्मिक स्थल को लेकर विवाद की धुंध जम ही जाती है। हालांकि इस कवायद में एक कड़ी 1991 के पूजा स्थल वाले कानून की भी है। ज्ञानवापी के मामले में इसी कानून के पन्ने पलटते दिखाई दिए ओवैसी। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, 48 दिसंबर में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थी, उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने जब कंप्यूटर भी नहीं आया था बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, ताले खोल दिया आपने, सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया और आपने डिमोलिश कर दिया उसके वादे के खिलाफ और कोई किसी को सजा नहीं होती। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते और 90 ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि 91 का एक्ट सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है, आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाईकोर्ट ने स्टे दिया था, किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप? बहुत गलत काम हो रहा है। नरसिम्हा राव की सरकार में बने इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है, लेकिन तमाम धार्मिक स्थलों पर विवाद के बीच अब इस कानून को बदलने की मांग तेजी से उठ रही है। 1991 वर्शिप एक्ट कानून बना जिसके माध्यम से उसको 1947 तक की जो भी उस जो मंदिर थे सिर्फ राम मंदिर को छोड़ के उसके विवाद को बंद करने का जो कानून बनाया गया ये हिंदुओं को गुलाम बनाने का, धार्मिक गुलाम बनाने का प्रतीक। जो नरसिंहा राव सरकार में वर्शिप एक्ट 1991 बना उसको समाप्त किया जाए। बहरहाल वैसे तो 1991 वाले इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा चुकी है, वहीं अब ज्ञानवापी के घमासान के बाद इसे बदलने की मांग तेज हो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 370 की तरह 1991 वाला ये कानून भी बदल सकती है सरकार?